चारबाग में यहाँ पर मेन रोड कालाम रोड को बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक को दूसरी तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। अमन का एक बड़ा झंडा लहरा रहा है। शहीदानो पवीन बांधी पाप शिवाय چشم ما روشن دل ما شاد ویدی یا مشری او تو دغه دغه کار چې کومه په خپل چای کې پاله څنګه دي من په لاو می چې دا سواد کله قرباني ورکې بالکل دوه په لاو چې یا الله زنا قرباني پوره کې من دا ولې دې دې په ځان ما کوم کوم دا فار مې ته ولې مجھے ضرور قربانی و ما وقت کا وقت پر زنانا بچی نمردان و لغاد میں تاباد و پہای ہوں سے بلد پر میرو تو وہ سول تارا میں اختیار تر کو ما وطن پاک کر چیرہ رتو کا تاو کو اعلان دیو کو جما دہشت گرد بیشت درسی وہاں مشران و امدولو کشران دولو السلام علیکم زفاد Thank you.
यहाँ पर अगर आप देखें तो इस मुजाहरे में बच्चे भी शरीक है और वो चाहते हैं कि हमें पढ़ने दो, तालीम को तहफ्फुज़ दो। इसी तरह मुख्तलिफ बैनर उनके पास है और वो ये मुतालिबा करते हैं कि हमें अमन चाहिए। यहाँ एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुदेश खान है और मैं कायद अजम पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, का अच्छा जी, हमारा बस यही मुतालबा है हमारी हुकूमत से कि हमें अमन चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है ना वो अपने स्कूल या इस डर से नहीं जाते हैं कि दहशतगर्दी की वजह से वगैरह वगैरह। बस हमें एक पुरजोर मुतालबा है हुकूमत से कि हमें अमन चाहिए। ठीक है, आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम शाह खान है। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं और क्या मुतालबा करना चाहते हैं आप? मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ और मैं हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूँ कि हमें अमन चाहिए। अमन चाहिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा। आपको थोड़ा सा मंजर में दिखाऊँ, अगर आप देखें तो इस तरफ आप देख सकते हैं जलसा जारी है। ये चरबाग में मेन चौक में कालाम बहरीन रोड जो है ना हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद है और यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा जारी है और एक ही मुतालिबा है। इसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग भी शरीक हैं और यहाँ पर जो अमन स्वात कौमी जरगे के जो अराकीन हैं उन्होंने ये कहा है कि ये बिल्कुल गैर सियासी जलसा है, यहाँ पर हम सियासत नहीं करना चाहते। और तमाम जो सियासी अराकीन है, कायदीन है, उनको हम वेलकम करते हैं और वो यहाँ पर आए और अपने इजहार ख्याल यहाँ पर कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ पार्टियों के लोग आ रहे हैं और जो गुज़श्ता रोज़ निशात चौक में जो जलसा हुआ था इसमें पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के कायदीन को तकरीर करने के मौके पर इनको मतलब काफ़ी नाराबाजी हुई, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जायद खाना जी से हमने मुआफ़ी मांगी और कहा कि हम इसी तरह की जो हमारा जो जलसा है या जो हमारा जो तहरीक है इसको हम सबोताज नहीं होने देंगे और हम तमाम पार्टियों के लोगों को इसमें दावत देंगे। बड़ी तादाद में लोग यहाँ शरीक हैं और वो इस एहतजाज में मुजाहरा कर रहे हैं। जी, ये दरख्वास्त है कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग इस इलाके में अमन कायम करें। इस लोगों को अपना तारुफ करवाएं जी। जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सनाउल्ला है, मेरा ताल्लुक तहसील चारबाग से है। 2018 में मैंने यहाँ पी के कंटेस्ट लड़ा है एक सियासी जमात से और यहाँ का मैं बाशिंदा हूँ। ये जो यहाँ पर जो जलसे हो रहे हैं इससे आपको लग रहा है कि इससे कुछ असरात मुरतब होंगे, अमन बहाल हो जाएगा? शरीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आवाम आज उठे हैं ये मजबूरी के तहत उठे हैं, उन लोगों को पता है कि हमारा रोज़गार छीन लिया गया है और हम जो है यहाँ पर जो
کاروبار کا ذریعہ تھا سیاحت وہ تباہ ہو گیا ہے اور یہاں پر ایک خوف کا فضا قائم ہے سیاحت بالکل ختم ہو گئی ہے یہاں کا روزگار ختم ہو گیا ہے یہاں پر مطلب ہے کہ لوگوں کے قتل ہو رہے ہیں یہاں پر دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ پھیل گئی ہے تو اسی وجہ سے لوگ خود اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور لوگ خود یہ آواز جو ہے ایوان اقتدار تک پہنچا رہے ہیں اور ہمارے تو صاف ایک ہی نعرہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے چاہے وہ صوبائی حکومت ہمیں دے دے چاہے وہ وفاقی حکومت دے دے چاہے وہ سیکیورٹی ادارے دے دے ہم یہ اگر آپ دیکھیں تو گاڑیوں کی لمبی لائن لگی ہے چونکہ یہ مین کالام روڈ ہے منگوارا کالام روڈ بلکہ بحرین مدین تو پورا علاقہ بھی شام گلگت بلتستان کے لیے بھی یہ راستہ تو روڈ بند ہے احتجاجی مظاہرہ جاری ہے کلومیٹروں کے حساب سے راستہ بند روڈ بند ہے جو بند ہے